Example 7. 250 cubic centimeter of sample of hydrogen affuses 4 times as rapidly as 250 cubic centimeter of an unknown gas. Calculate the molar mass of unknown gas. क्वेश्चन में है हाइड्रोजन गैस का सैंपल एक अननोन गैस के सैंपल के मुकाबले में 4 टाइम्स रैपिडली मूव करता है। हमने अननोन गैस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। फर्ज करें एक अननोन गैस एक्स है, अननोन गैस के मुकाबले में हाइड्रोजन गैस 4 टाइम्स रैपिडली मूव करती है। अगर रेट ऑफ एफ्यूजन अननोन गैस का 1 है तो रेट ऑफ एफ्यूजन हाइड्रोजन गैस का 4 है। रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ अननोन गैस आर एक्स इज इक्वल टू 1, रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस आर H2 इज इक्वल टू 4। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस MH2 इज इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल। अननोन गैस का मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन गैस ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mx ओवर 2, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे। 16 इज इक्वल टू mx ओवर 2, mx इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। अननोन गैस का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 21। ए पार्ट है द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ 2 गैसेज ए एंड बी आर 1:1.5. Find out the volume of B which will diffuse in the same time in which 150 cubic decimeter of A will diffuse. क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 2 गैसेज हैं A और B। A गैस की डेंसिटी 1 है, B गैस की डेंसिटी 1.5 है। A और B दोनों गैसेज डिफ्यूज करती हैं सेम टाइम में। B गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है जब A गैस 150 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम उसका डिफ्यूज हो चुका हो। रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ गैसेज A एंड B इज इक्वल टू 1:1.5। तो यहाँ से हमें पता है A गैस की डेंसिटी 1 है, B गैस की डेंसिटी 1.5 है। डेंसिटी ऑफ गैस A इज इक्वल टू DA विच इज़ 1, डेंसिटी ऑफ गैस B DB इज इक्वल टू 1.5। A गैस का वॉल्यूम गिवन है जो कि डिफ्यूज हुआ है 150 क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस B डिफ्यूज्ड, B गैस का वॉल्यूम कितना डिफ्यूज हुआ है ये हमने फाइंड करना है सेम टाइम में। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, चूंकि दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम टाइम में डिफ्यूज कर रहा है इसलिए इनके रेट्स को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कुछ यूं लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिफ्यूज्ड इन सर्टेन टाइम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज्ड इन सर्टेन टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी ए ओवर डी बी। चूंकि दोनों का टाइम सेम है तो टाइम कट जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिफ्यूज्ड ओवर वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस ए ओवर डेंसिटी ऑफ गैस बी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए गैस का वॉल्यूम जो डिफ्यूज हो रहा है 150 क्यूबिक डेसीमीटर है। ए गैस की डेंसिटी 1 है, बी गैस की डेंसिटी 1.5 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 122.47 क्यूबिक डेसीमीटर। इसका मतलब है अगर गैस ए 150 क्यूबिक डेसीमीटर डिफ्यूज करेगी तो उसी वक्त में गैस बी 122.47 क्यूबिक डेसीमीटर डिफ्यूज करेगी। चूंकि गैस बी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस ए के मुकाबले में कम है। पार्ट बी, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस प्लेट एट अ रेट ऑफ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट एट 0°C. What is the rate of diffusion of oxygen through the same porous plate at 0°C? इस क्वेश्चन में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज एक पोरस प्लेट से 1 मिनट में डिफ्यूज कर रही हैं। हाइड्रोजन गैस का 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम डिफ्यूज करता है। हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट है। ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, rate of diffusion of oxygen over rate of diffusion of hydrogen is equal to molar mass of hydrogen over molar mass of oxygen square root। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2/32, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन के मुकाबले में 4 टाइम्स लेस है, या हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 4 टाइम्स ग्रेटर है। C part, the rate of effusion of an unknown gas A through a pinhole is found to be 0.279 times the rate of effusion of hydrogen gas through the same pinhole. Calculate the molecular mass of unknown gas at STP. दो गैसेज हैं, एक अननोन गैस A और दूसरी हाइड्रोजन गैस, दोनों एक पिन होल से एफ्यूज करती हैं। अननोन गैस A का रेट ऑफ एफ्यूजन हाइड्रोजन के मुकाबले में 0.279 टाइम्स है। हमने अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ एफ्यूजन हम 1 लेंगे, ए गैस का रेट ऑफ एफ्यूजन 0.279, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल है, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ गैस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस ए ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, मोलर मास ऑफ गैस ए इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ एफ्यूजन है 1, अननोन गैस का 0.279 होल स्क्वायर, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास आएगा 25.7 ग्राम पर मोल। Exercise question 22. Calculate the number of molecules and number of atoms in the given amounts of each gas. A part है 20 cubic centimeter of methane at 0 degree C and pressure of 700 millimeter of mercury. B, 1 cubic centimeter of ammonia at 100 degree C and pressure of 1.5 atm. इस क्वेश्चन में हमने number of molecules and number of atoms calculate करने हैं हर गैस के। पहले हम A part करते हैं। A part में हमें given है मीथेन गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। वॉल्यूम है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक डेसीमीटर में, 1000 से डिवाइड करेंगे। टेम्परेचर 0 डिग्री C, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करेंगे, 273 केल्विन। प्रेशर गिवन है 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करेंगे, 0.921 एटीएम। यहाँ पे हम आर की वैल्यू यूज़ करेंगे 0.0821। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, n इज इक्वल टू PV/RT। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे 0.0000822 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। मोल्स है हमारे पास 0.000822, एवोगैड्रोज नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻²³। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 4.95 क्रॉस 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। एज देयर आर 5 एटम्स इन मीथेन, तो इस फार्मूले को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए। एन क्रॉस एन ने ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2.475 क्रॉस 10⁻21 एटम्स। इस तरह हम CH4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। बी पोर्शन को सॉल्व करने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बी पोर्शन क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अमोनिया एट 100 डिग्री C एंड प्रेशर ऑफ 1 atm। अमोनिया में हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक डेसीमीटर में, 1000 से डिवाइड करेंगे। टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री C, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, 373 केल्विन। प्रेशर में गिवन है 1.5 एटीएम। आर की वैल्यू हम सेम यूज करेंगे 0.081 एटीएम क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आएंगे 4.9 क्रॉस 10⁻⁻⁵ मोल्स। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4.9 क्रॉस 10⁻⁵ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आएंगे। चूंकि अमोनिया के अंदर 4 एटम्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्रॉस 2.95 क्रॉस 10⁻, नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1.18 क्रॉस 10⁻20 एटम्स। इस तरह हम मीथेन और अमोनिया के अंदर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन 23, कैलकुलेट द मैसेज ऑफ 10⁻20 मालिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। व्हाट विल हैपन टू द मैसेज ऑफ दीज गैसेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दीज गैसेज आर इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री C एंड द प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय 100 bar। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स से मैसेज कैलकुलेट करने हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ गिवन है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 10⁻20, मास ऑफ हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फार्मूला है N= मास ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, M= 10⁻20 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23। हाइड्रोजन का मास होगा 3.322 क्रॉस 10⁻⁻4 ग्राम। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 10⁻20, मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। हमने फार्मूला है N= मास ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऑक्सीजन का मास आएगा 5.3152 क्रॉस 10⁻⁻3 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स N= 10⁻20, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है। फार्मूला है N= मास ओवर मोलर मास इंटू Na। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मास आएगा 7.3084 क्रॉस 10⁻⁻3 ग्राम। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री C इंक्रीज किया जाए और प्रेशर 100 bar डिक्रीज किया जाए तो गैसेस के मैसेज पे क्या इफेक्ट होगा। इसका आंसर है, टेम्परेचर के इंक्रीज या प्रेशर के डिक्रीज करने से मैसेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती।